पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पीतल नगरी के करीब 500 करोड़ रुपए के उत्पादों के ऑर्डर विदेशी खरीदारों ने होल्ड कर दिए हैं। उत्पादों की सप्लाई न होने से इसके एवज में मिलने वाला भुगतान अटक गया है। साथ ही इन उत्पादों को तैयार करने के लिए ली गई बैंक क्रेडिट लिमिट पर मिलने वाली छूट हाथ से फिसलने का खतरा भी बढ़ गया है। मुरादाबाद में छोटे बड़े करीब 2400 निर्यातक हैं। शहर से सालाना औसतन 8 से 9 हजार करोड़ रुपए का निर्यात होता है। शहर के कुल निर्यातक उत्पादों की खरीद में अमेरिका का शेयर 60 से 70% है। कोरोना की शुरुआत से लेकर लॉकडाउन तक के दौर में जब हर तरह के कारोबार को झटका लगा था, तब भी पीतल नगरी के उत्पाद अपनी चमक बिखेर रहे थे। विदेशों से पीतल नगरी के निर्यातकों को 30 से 35% अधिक ऑर्डर मिले थे। लॉकडाउन के खात्मे के बाद जब हर तरफ के बाजार ने तेजी पकड़ी तो मुरादाबाद के निर्यातकों का सामना निराशाजनक अनुभवों से होने लगा। उत्साह के साथ पीतल नगरी के उत्पादों की डील करने वाले अधिकांश अमेरिकी ग्राहकों ने अपने ऑर्डर होल्ड कर दिए। इसके चलते करीब 500 करोड़ रुपए के उत्पाद विदेशी बाजार में पहुंचने से पहले ही रुक गए। कुछ निर्यातकों के उत्पाद कंटेनर से भेजे जा चुके थे, लेकिन ऐसे कंटेनर अब बंदरगाह पर भी अटक गए हैं। आज की डेट में मुरादाबाद की जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। हर एक्सपोर्टर परेशान है। उसका रीज़न यह है कि कुछ के तो ऑर्डर ऑन होल्ड हो गए हैं, जो कि सितंबर अक्टूबर तक के लिए होल्ड हो गए हैं। पता नहीं वो बायर लेगा या नहीं लेगा। दूसरे कुछ ऑर्डर्स कैंसिलेशन हो गए हैं, कैंसिल्ड हो गए हैं, जो माल अभी एक्सपोर्टरों के घर में पड़ा हुआ है। आज की डेट में जो पूरी स्थिति देखी जाए मुरादाबाद की, वो ऐसी है कि 8000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट होता था वो अब सिर्फ 5000 करोड़ पर रह जाएगा। मतलब 60% की मंदी आ जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है, ना गवर्नमेंट कोई सब्सिडीज देगी, ना गवर्नमेंट कुछ हेल्प करेगी। एक्सपोर्टर को अपने आप ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। इस समय बहुत ही भयानक पीरियड चल रहा है, इसे बहुत संभाल के गुजारें। एक साल आगे का भी बहुत ख़राब जाने वाला है। मंदी की वजह यह है कि कोविड टाइम में ऑनलाइन सेल्स बहुत अच्छी हुई। उस समय आदमी अपने घर पर बैठा रहता था और ऑनलाइन ऑर्डर करता रहता था, ये भी एक उसके मनोरंजन का साधन था। अब जब कोविड ख़त्म हुआ तो लोग घर में बंद थे, अब घर से बाहर निकल के ज़्यादातर पैसा जो अपना खर्च कर रहे हैं वो घूमने घामने में कर रहे हैं, ना कि इन चीज़ों को खरीदने में। अब रूस और यूक्रेन की वॉर का तो इफेक्ट पड़ा ही है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि ओवर बाइंग हुई है बायर्स की। ये सोचते हुए कि कोविड में माल ज़्यादा बिका है, उसके बाद उन्होंने ओवर बाइंग करी, अब वो स्टॉक्स उनके पास पड़े हुए हैं। जब तक वो स्टॉक्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक ये मंदी रहेगी। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।